स्वागत है आप सभी का। बेसिक न्यूज पर एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। जो बाजार की अच्छी बढ़त थी वो अभी भी कायम है। 8520 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। 1% टिक की तेजी काफी घंटों से मेंटेन्ड होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 38 शेयर जो निफ्टी के हैं वो अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, पूरी सूची है संदीप के पास। संदीप को हमारे साथ मौजूद भी है न्यूज रूम से। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले लुपिन एक फार्मा कंपनी है यूएसएफजीए से। इस कंपनी की जो गोवा यूनिट है उसको क्लीन चिट मिली है और गोवा प्लांट का यूएस की आय में करीब 30-40% के आसपास का योगदान है। उस यही कारण है कि आज इस काउंटर में देखिए 7.5% तक के जो गेंस है अब भी देखने को मिल रहे हैं। एससीसी इस कंपनी को आरबीआई से डेट रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी मिली है। S4A स्कीम के तहत जो डेट है उसे रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। उन खबरों के चलते इस काउंटर भी आज फोकस में है। सुजलोन, थोड़ी देर पहले खबरें निकल के सामने आई कि केयर ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, BBB- से बढ़ाकर BBB किया है। उस वजह से इस काउंटर में भी एक स्पाइक पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिला है। उज्जीवन फाइनेंशियल इस कंपनी की ओर से स्टेटमेंट निकल के सामने आया कि आरबीआई से छोटे बैंक के लिए लाइसेंस जल्द मिल सकता है, जनवरी मास तक शुरू कर सकते हैं छोटा बैंक। इन खबरों को बाजार ने पसंद किया। अब भी करीब 3% के आसपास गेंस इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे काउंटर जिनमें नतीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। PNB नंबर्स में सुधार हुआ उस वजह से तेजी देखने को मिली। उसके अलावा वक्रांगी, SMS फार्मा, श्रेय इंफ्रा, रेडिको खेतान, इंडियन होटल्स, इन कंपनीज के नंबर्स को बाजार ने पसंद किया है और यहाँ पे थम्सअप साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन जहाँ पे निराशा हाथ लगी है उसमें शारदा क्रॉप कैम, सेंट्रल बैंक, नीलकमल, देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके बाद आज इन काउंटर्स की पिटाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सेक्टर्स बाजार की तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें फार्मा एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है। लुपिन में तो खबरों की वजह से तेजी है लेकिन उसके साथ साथ पूरे सेक्टर में पुलबैक है। औरोबिंदो फार्मा, पिरामल एंटरप्राइजेस, जुबिलेंट लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा, नेटको फार्मा, स्ट्राइड्स, आर्को लैब, ब्रुक्स लैब, एक लंबी लिस्ट है जहां पे फार्मा शेयरों में काफी अच्छे गेंस आज देखने को मिले हैं। कुछ छोटे सेक्टर्स में एक तो पेपर शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिसा साइज, स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट, जेके पेपर, रुचिरा पेपर, इन सब में वॉल्यूम साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। फेडरल मॉगुल, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, एक्साइड, बॉश, यहाँ पे जिस तरह से यूएस में यूएस के फ्रंट पे अच्छी खबरें निकल के सामने आई हैं, राहत मिली है, इनका बड़ा एक्सपोजर है यूएस में, उसका सीधे तौर पर इंपैक्ट आज देखने को मिला है। चीनी शेयरों की मिठास आज फिर से बढ़ी है। बलरामपुर चीनी देखिए, राष्ट्रीय शुगर, शक्ति शुगर, पेरी शुगर, राणा शुगर, इन सब में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले। और आखिर में तेल गैस ऐसा सेक्टर में भी काफी अच्छे गेंस आज देखने को मिले हैं। अबान में हालांकि एकाएक एक स्पाइक नीचे की और जो फॉल है वो नंबर्स के बाद देखने को मिला, लेकिन ड्यूक ऑफशोर देखिए, OMC से ज्यादा पैक, पेट्रोल डीजल की जो प्राइस रिवाइज किए गए उसमें IOC, BPCL, HPL, HPCL, इन सभी काउंटर्स में देखिए आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बताने के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि पेपर सेक्टर हुआ, शुगर सेक्टर हुआ, ऑयल एंड गैस, मेटल्स या फिर बैंकिंग सेक्टर हुआ, अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके लिए कौन सा सेक्टर महत्वपूर्ण है और आप कहां पर अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं निवेश के लिए, हमने बात की ये सिक्योरिटीज की निताशा शंकर से और उनका कहना है कि सीमेंट कंपनियों की प्राइसिंग सुधर सकती है और छोटे मझोले सीमेंट कंपनियों में निवेश के लिए काफी बेहतर मौके हैं। अगर आप सीमेंट को देखिए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो डिमांड है दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर साइड से एज वेल एज हाउसिंग साइड से, उसका एक बेनिफिट कंपनीज को मिलना चाहिए। इसके अलावा कंपनीज ने बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स रखा है टू कीप द सप्लाई अंडर चेक, क्योंकि एक जो ओवर सप्लाई की जो सिचुएशन हुई थी पिछले साल, कैपेसिटी एक्सपेंशन विदाउट यू नो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंशन इन डिमांड, उसकी वजह से प्राइसिंग पे काफ़ी प्रेशर रहा था। लेकिन आगे जाके ये भी सुधर सकता है। ऑलरेडी रीजन्स में प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, इस क्वार्टर में उतना नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, बट ओवरऑल देर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट इन प्राइसिंग। इट्स अ गुड सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन। लेकिन जो इसमें मिड कैप प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं जस्ट प्योरली फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली, तो आपने यहाँ पर सुना निताशा शंकर का मानना है कि सीमेंट स्पेस एक अच्छा मौका हो सकता है जहां पर आप चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि FNO बाजार से क्या कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, सबसे पहले तो ये बताइए आज बाजार में जो एक अच्छी बढ़त है वो मेंटेन्ड है, अब आगे जाते हुए ट्रेडर्स का एक कन्विक्शन कहां पर लग रहा है आपको? देखिए, एक्सपर्ट्स का व्यू और डाटा दोनों तो ये कह रहे हैं कि इसको एक रिकवरी रैली ही समझा जाए, बल्कि ना कि ताजा खरीदारी समझा जाए। हालांकि मार्केट के अंदर जिस तरह का अभी तक का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेंड तो यही कह रहा है कि यहाँ पे कुछ हद तक बाइंग वापस देखने को मिली है। लेकिन आप उसका ओपन इंटरेस्ट चेंज देखें जो कि 1% भी नहीं बनता, यानी कि आज जो भी खरीदारी हुई है उसका ज़्यादातर हिस्सा पहले तो शॉर्ट कवरिंग का, और अब कुछ निचले स्तरों से जब कॉन्फिडेंस मार्केट दिखा रहा है तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके उलट अगर आप बैंक फ्यूचर्स को देखेंगे, ये आपके सामने ट्रेंड है, यहाँ पर भी बाइंग है लेकिन यहाँ का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा करीब 4% का, यानी कि यहाँ पे
आज ट्रेडर्स थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल थे, वैल्यूएशन को लेकर कंफर्टेबल थे, ट्रेंड को लेकर कंफर्टेबल थे, इसलिए मार्केट के सभी शेयर्स के अंदर बाइंग ना होते हुए, इंडेक्स को ना करते हुए बाइंग, एक पर्टिकुलर चंक जिसमें सरकारी बैंक ज्यादा है उनके अंदर एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखी और पीएनबी ने इसको लीड किया। यहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ एक अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से भी देखेंगे आपको क्लियर होगा कि 8500-8600 की ऑप्शंस ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग से या फिर ताजा खरीदारी से बाइंग के सौदे बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपके सामने 8600 की कॉल है और इसके अलावा अगर आप पुट भी देखेंगे 8400 की या 8500 की आपको क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि यहां पे शॉर्टिंग हुई है 8400 की कॉल के अंदर और 8600 की पुट के अंदर बाइंग हुई है। मार्केट जा सकता है 8600 तक, टूट सकता है 8400 तक, कम से कम अगले तीन दिन ये इवेंट बेस्ड जो रहने वाले हैं इसी रेंज में मार्केट के रहने की उम्मीद है। जो तीन शेयर आज मार्केट का मोमेंटम तय कर रहे हैं उसमें अगर आप फार्मा से देखेंगे तो ल्यूपिन है जहां पे अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है, 7% का अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। दूसरा बैंकिंग से पंजाब नेशनल बैंक है, यहां पर भी एक स्ट्रांग मोमेंटम है, बिल्डअप करीब 4 करोड़ से ज्यादा शेयरों का। और एक ऑटो एंसिलरी है मदरसन सुमी, यहां पर काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, प्राइस और वॉल्यूम एप्रिसिएशन दोनों है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी बताने के लिए कि इस वक्त कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पर ओपन इंटरेस्ट डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर डिम्पी ने जिस तरीके से बताया कि अगले 2 या 3 दिन जो कि काफी इवेंट बेस्ड रहने वाले हैं उसमें मार्केट्स या तो 8600 तक के लेवल्स तक जा सकते हैं नहीं तो 8400 तक भी गिरते हुए नजर आ सकते हैं।